जिस तरीके का सोशो पोलिटिकल क्लाइमेट है यू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड यू नॉट हैव अ स्टैंड्स कि मतलब हाँ इस चीज के ऊपर मैं बोल सकता हूं दैट इज करेक्ट स्टैंड मैं कॉमेडी को ऐसे नहीं देखता हूं कि मतलब इट इज अ रेवल्यूशनरी थिंग इट विल चेंज सोसाइटीज इट्स फकिंग क्लाउन

क्या Sir, हाल है कंग्रेचुलेशन भाई इस इस पॉडकास्ट की जो स्टार्ट हुई थी आपके yes. माध्यम से आपको और प्पा को मैंने बुला लिया था जब yes. फ्रंट कैमरा मारेगा फिर आपने भी बहुत शहरत कमाई और भाई हमने भी कमाई yeah. फिर शहर में उभरते हुए सितारों का जब भी नाम सुनते हैं तो ah. जैसे कान में आवाज आती है ना अर्पित बारह उभरता हुआ सितारा है अच्छा लगता है मुझे भी लगता है कि मेरे को मेहनत क्यों करनी चाहिए जिससे कि मतलब एक बारी दोस्त का एक और एपिसोड में आ पाऊँ मैं <laughs> <laughs> नहीं तो देर इज नो इंसेंटिव ऑफ विनम्र टू इनवाइट हियर इनवाइट मी हियर नहीं भाई मैं तेरे से भिन्न भिन्न प्रकार की गीतों में तो मिलता ही रहता हूँ जहाँ हम जाके देखते हैं कि uh, रैपर रैपर नाच रहे हैं yeah. रैपर रैपर पे नाच रहे हैं रास्ता में नाच रहे हैं माइक ड्रॉप पे नाच रहे हैं यही है मेरे नहीं। को लगता है कि पूरा ये जो रैपरों का सर्कल है ना दे डोंट सेल टिकट्स दे ओनली सेल वो गेस्ट लिस्ट भरते हैं अपनी हां जस्ट टू शो कि हां सोल्ड आउट हुआ पर है नंबर भाई आपका नाम डाल दूं <laughs> पूछा भी नहीं <laughs> तो पर हां ब्रो बहुत ही बहुत ही क्रेजी ऐतिहासिक ग्रोथ मैं तो बोल रहा हूं अब तो मेरे को किसी ने बोला था भाई अब आप अरबित को लाओ अब वो फट रहा है

नहीं यार मतलब मैं चिढ़ता नहीं हो मैं कमेंट्स देखता नहीं हूँ क्योंकि दूसरों के चैनल पे डलती है ना वीडियो <laughs> तो मैं भाई थोड़ा सेफ रहता हूँ मैं, मैं किसी को वो नहीं बोलता हूँ डालो तभी तुम्हारे को मैं तुमसे बात करूंगा ये वो वक्त होती नहीं नहीं वो तुम्हारे ऊपर है भाई तुम्हारे को जो डालना डालो बट मतलब यार पहले भी तो फट रहा था एकदम पे इस तरह की वायरलिटी की हर तीसरी रील तेरी वाली आ रही है कैसे हो रहा है क्या मुझे भी नहीं पता सर आप सोशल मीडिया पे कैसे आज कर रहे हो आई थिंक uh, मेरा इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है कि मतलब आई डोंट एक्टिवली पोस्ट reels and everything जितना भी हो रहा है वो मतलब मेरे उसी से ही हो रहा है जो मतलब मतलब एक है core audience. Streams की हाँ, तेरे YouTube channel हाँ, की वजह वजह से से उसी में से पार्ट्स कट कट के लोग अपने उसमें डालते हैं नॉट इवन हंड्रेड के बट थ्रू द रूफ या वो तो मतलब मेरे को लगता है कि हाँ दिस इज अ गुड साइन कि मतलब हाँ लाइव स्ट्रीमिंग इज नाइस बट मेरे को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कंटेंट क्रिएशन इतना खराब है क्या कि मतलब ऐसी चीज फट रही है कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये तो मतलब दिस इज अ स्कैम भाई लोग दुखी हैं <laughs> मैंने उसने <laughs> एक <laughs> एक बंदा है वो एआईबी का एक्स हेड राइटर है ना देवैया भोपन्ना जिसने सारे <laughs> ये क्रेड वगैरह के कैंपेन्स yeah, yeah, yeah. लिखे हैं डायरेक्ट हाँ. उसने लिखा था वी आर द सैडेस्ट जनरेशन विद द बेस्ट मीम्स व्हिच इज ट्रू यू नो cuz और आप सैडेस्ट जनरेशन विद द बेस्ट मीम्स या

आप क्यों ऐसे बोलते हो कि मैं अपनी बॉडी में नॉर्मल हूँ घर पे क्यों नहीं बोलते है? बात अपनी डायरी में क्यों लिखते दुनिया को क्यों बताते हो कि मैं मोटावा नॉर्मल ऐसे नॉर्मलाइज करो बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने ये तो नोटिस किया है ये अगर ये मोटा आदमी ज्यादा बोल बोल के पतला भी हो जाता है ना उसकी मेंटेलिटी नहीं जाती मोटो वाली ही रहती है वो नहीं होता पतला दिमाग से आदमी जो पतला होता है ना वो वो होता है कि हाँ भाई मेरे को एनडीए करना है इसीलिए मैं पतला हुआ हूँ ठीक है और हाँ। कोई भी अगर पतला हो रहा है और वेट लॉस कर रहा है वो दिमाग से नहीं हटता तभी तो भाई ये जब मोटे लोग पतले होते हैं ना उसके बाद ये फिर से मसल बैक भी नहीं कर पाते क्योंकि इनकी इतनी गांध फटती है कैलोरी को थोड़ा सा ऊपर जाए ओके हाँ। विद okay यार मैं तूने वाली वीडियोस देखे जिसके अंदर बंदा पतला तो हो जाता है लेकिन उसकी बॉडी की से बन जाते हैं मतलब वो मास ना लटक जाता है वो ठीक नहीं होता वहां पे मतलब लोग बहुत बोलते हैं कि दिस दिस इज़ हाँ, इज़ बॉडी बॉडी पॉजिटिविटी नहीं 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 है 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 ये ये आदमी भी भी उतार उतार रहा रहा शर्ट अपनी भाई कहीं? ये भी नहीं उतार रहा भाई भाई <laughs> कहीं जो एसिड अटैक के हैं और वो उनमें आ, ही है, हाँ. है वो उनमें सेम सेम ही मतलब वो ही है, से वो दोनों ही चीज़ चीज़ दोनों मतलब वही अभी <laughs> थोड़ी इज्जत कमा ली थोड़ी, कमाली अब थोड़ी। का ना मटर करो ज्यादा गवर्नमेंट <laughs> की नजरों में आ रहा है आ भाई। मेरे को तो अभी अभी रिसेंटली मतलब बात बात चली रही थी कि भाई विनम्र ये कर रहा है वो कर रहा है और मैंने देखा बहन क्या हुआ क्या और मैंने देखा बहन चो सात सौ के होगा इसके बहन भाई एंड आई एम जस्ट लाइक

मेरे से नहीं ली जाती नहीं। मेरे को, मेरे से बिल्कुल नहीं ली जाती अगर कोई लोग आके मेरे से बोलते हैं ना भाई बहुत अच्छा मेरे को मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं पर नहीं पर तेरे जो तुझे आई एम नॉट प्राउड ऑफ व्हाट आई डू पर ब्रो यू शुड बी बिकॉज़ तेरे को यू विल नेवर हैव द प्रॉब्लम ऑफ ओ यार थोड़ा और रियल होता हूँ यू नो कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ही yeah. एक प्लास्टिक पर्सोना बनाते हैं बाहर या yeah.

कहता yeah, है मतलब हम रिलीफ yeah. को वैल्यू करते हैं जो मुठल होते ah. ah. को हैं hmm. yes. <laughs> जोक के अंदर धीरे 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 ना तुम अगर देखते रहो देखते रहो तुम्हारे विचारधारा भी ऐसी बन जाती है मेरे को तो लोग बोल रहे हैं ये सब चीजें और वो चीज मेरे को कहीं ना कहीं चुभती है तो आई एम एक्टिवली वर्किंग दिन ना यार तू ट्रांसप्लांट करा ले ताकि तेरा ये yeah? नहीं, 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 ट्रांसप्लांट तो नहीं कराने वाला मैं बिकॉज इट मीन मैंने ऐसे लोगों को देखा है उन लोगों ने ट्रांसप्लांट कराया वहां पे बाल बच गए और पीछे के चले गए hmm. तो फिर मतलब वो वाली चीज रहती कि तुम्हारे यहाँ पे हल्का हल्के से बाल हैं और पीछे कुछ भी नहीं है और वो बस कोम्बोवर करते रहते हैं करते रहते हैं आगे के के बालों को पीछे ऐसे चिपका चिपका के। तो जर्नी एंड आई विल टेक इट मेरे कोई दिक्कत नहीं है पार्ट ऑफ बॉडी बस बॉडी बनानी होती है उसके बाद नहीं यार पर तू देख भाई देख दुनिया ये सबसे बड़ा स्टीरियो है अगर तुम्हारे पास तुम गंजे हो गए ना बॉडी बना लो और दाढ़ी रख लो ये इसको ब्रेक करना है uh, क्यों नहीं रख सकते कौन है? से ऐसे गंदे अगली, मोटे गंजे वही तो कोई है ही नहीं उभर नहीं।, नहीं।, नहीं पाते पहले ही मेरी एक्चुअली पॉलिसी है कि ना बदसूरत लोगों को बिल्कुल हायर मत करो दुनिया में जैसे अगर शक्ल किसी की वो है ना बुरी तो उसको फ्री yeah. कंसल्टेशन दे छोड़ दो तो कभी ऐसे ये ऐसे मेरी सोच है yeah. मैंने देखा मेरे दोस्त भी कोई बदसूरत नहीं है yeah. क्योंकि जब उनकी बदसूरती होती है ना फिर आई गेट यू डू नॉट मी टू योर पार्टी भाई ऐसी कैसी बात कर रहा <laughs> है है यार तू हैंडसम लड़का मैंने फर्स्ट रहे हैं दोस्ती कर ली थी मतलब मेरे में ना एक वो है कि uh. आस पास जब जो टब्बर चले थोड़ा अच्छा सा लगे देखने में ऐसा ना हो यार यारताओ बहन जो कैसा वो लेके आए उस दिन लाइक ही डज नॉट ही शुड नॉट लुक लाइक

तो जिस काम के लिए आप खोखे बजाते हो कि मेरे को पान दो वही आपको सिगरेट में मिल रही है यस और मतलब स्मेल भी अच्छी है टेस्ट भी अच्छा लगता है लोग बस इसीलिए हेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सस्ती है हाँ छोटी सिगरेट भी छोटी हाँ। सिगरेट होती है और ये वो लोग इसलिए भी हेट करते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं बकवास करने आप शौकीन हो सिगरेट के जैसे काफी नहीं मतलब आई एम ट्राइंग टू क्विट कोई बात नहीं यार अब तो पहले तो हम ना पहले मैं करते थे कि ना यार ये बात बोल दी ये हटा दे फिर आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ता है डोलने दे आ, क्या तो है तो मतलब तो है मतलब so तो है तो तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कैंसर वैंसर मेरी नींद खराब होती है सिगरेट से हाँ क्योंकि मेरा ऐसा डिपेंडेंसी हो गया है फॉर निकोटीन कि अगर मैं सोने जाता हूँ मेरी तीन घंटे में आँख खुल जाती है बिकॉज आई नीड तो, तो क्या क्या? के चक्कर में रहा है क्या? वेप की वजह से हुआ हुआ था था। ये स्टार्ट। बट उसके बाद मेरा फिर वही वाला सीन हैड स्विच बैक सिगरेट्स। धीरे धीरे करके पहले पांच थी फिर चार हुई फिर तीन हुई दिन की फिर हुँ. बस अब जिम के बाद एक लव द जिम के बाद yeah. भाई मेरे को ऐसा लगता है द दिन कीर का वेप मार रहे थे जब भी वो आता है वो इतना है सिगरेट के साथ पता है बेनिफिट क्या है मतलब मैं नहीं कह रहा कि अच्छी चीज है कोई देयर इज अ रिचुअल इन्वॉल्वड इन सिगरेट आज भाई तूने मेरी इंग्लिश चुरा पूरी एग्जैक्टली ये बोलने वाला था <laughs> वो जो रिचुअल होता है ना कि अगर बहुत सारे लोगों के घर में ये नहीं होता कि आप <laughs> अंदर जला लो <laughs> बहुत सारी जला <laughs> लो <laughs> एग्जॉस्ट ऑन <आन> होगा पहले <laughs> कोने में जाओगे लैच लगेगा कमरे में सेम, कोई किसी को बहुत पीता है, जितने भी इंडिया में स्टोनर जो बचे हुए हैं इसीलिए स्टोनर्स हो जाते हैं आलसी और उनको बहन जो कौन रोल करे और भाई प्री रोल इनको पीने का मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि इनको लगता है भाई मेरी बेजती होती है अगर मैं प्री रोल पीता हूँ भाई भाई मैं क्या मर्द नहीं हूँ ठीक है बहुत बिहेव तो ऐसे करते पटना में कारीगर है कारीगरी में कमजोरी आ गई है <laughs> रोलिंग ऐसे होती है भाई यार रुक जाए एक मिनट रुक जाए ये मत करो भाई नहीं भाई मेरे हाथ का रोल ट्राई करो आप। भाई ऐसे करते हाथ जोड़ लेते भाई मत करो आप भाई आप मत करो मत करो आप

<laughs> भाई, भाई, भाई 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 रुक जा भाई ब्रेक मार ब्रेक मार अबे रुकना मैं देख नहीं रहा हूं क्या <laughs> देख नहीं, <laughs> नहीं।, नहीं रहा हूं क्या मैं एंड मेरे को सही में लगता है कितने सारे एक्सीडेंट्स इसीलिए होते होंगे बहन बस गाड़ी ठुकी पूरी गा, पूरी गाड़ी में गांझा घंजा गिरा हुआ है भाई मेरे को लगता है एक्सीडेंट्स होते हैं सब लोग टैक्सन ड्राइव करते हैं टैक्सन ड्राइव करते हैं बहुत कॉमन हो गया अच्छा। know, कभी तु, कभी तु, तु जाम में खड़ा होगा मैं, हो। मैंने तो गाड़ी चलानी नहीं सीखी आज तक मैं नहीं सीखने वाला तूने गाड़ी चलानी नहीं, नहीं सीखी नहीं मेरे को नहीं। लगता है की जो मेरे को खा जाएगी बचपन है ओला है कर लेंगे ऑटो कर लेंगे मानता हूँ ऑटो करके जाऊंगा भाई रिक्शे चले जाऊंगा बट भाई गाड़ी इसलिए नहीं सीखनी क्योंकि भाई कमाई नहीं है गाड़ी जनरेशन वेल्थ रिवर्स रूंगा मैंने नोटिस कराया mm. एक, एक ट्रेंड चलता है कि भाई ये तो जनरेशन वेल्थ वाले बैठे हुए हैं uh. तो फिर एक बंदे ने एक बंदा आया इंस्टाग्राम पे बॉबी माइजनर uh. उसने उस ट्रेंड को रिवर्स कर दिया कहरा सो वॉट फाइव डायर इज मनी योर डायर ट्वेंटी फोर आवर्स आई डू स्टेटमेंट मारी थी ना हम बापू हम कमा क्यों ना पा रहे वो तो है भाई वो तो फैक्ट्स बोले थे उस दिन मतलब बट आई फील लाइक इट्स अ वेरी इजी अटैक टू

<laughs> यार अर्पित भाई आपकी विटीनेस और आपका ह्यूमर खत्म नहीं हुआ चाम आपका पूरा है पूरा है भाई चालीस रुपए दे दो भाई सुपर चैट भाई अभी तक आए नहीं चल रहा है ऐसे YouTube पे आती है बढ़िया सुपर चैट वगैरह मतलब हाँ आ जाती है आई एम आई एम सेटिस्फाइड विद हाउ थिंग्स आर ना ज्यादा ना कम आई कैन I can now finally afford things for myself and not ask anything from my parents. पेरेंट तो जो तेरी पहली छोटी बड़ी purchase पैसे कमाने के बाद YouTube के माध्यम से क्या करेगी What did you buy? वो <laughs> जूते भाई ये ये Ken कहाँ से <laughs> आ गया बारवी वाला <laughs> भाई मेरे को तो इसलिए लेने थे क्योंकि मेरे को देखना था भाई

मैंने पहली बार पैसे कमाना शुरू करे मैं भी आया मैंने भी यही सब ट्रेडिशनल रोड अपनाए थे कि ये yeah. मेरी कमाई के 25 परसेंट ये थोड़े से चैरिटी में थोड़े से इसके लिए ऐसे yeah. इस तो पैसे नहीं ऐसे नहीं रहेंगे जेब में ये तो भाई आप कर लिया भाई। आपने अपनी मिठाई उठाई बांट दी कीजिए मैं अब काम काजी हो गया हूँ क्या प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम भाई अब क्या भाई चलो फिर मैं मैंने कहा साइड कारकटल भी हूँ दो हजार मैंने बढ़िया है फिर अब क्या यार

फिगर आउट कर रहे हो तुम्हें क्या पसंद तुम्हारे को फिट कौन सी पसंद है जैसे yeah. ये प्रखर वाली टी शर्ट है huh. मेरे को लूज बहुत बढ़िया लगती है मैं इसको हर yeah. जगह पहनता हूँ huh. uh, तो मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं ऐसा तो मैंने एक दो आई लाइक इट बिकॉज देन यू नॉट लाइक कि मैंने जे वॉकिंग पहना है कुछ और पहना है yeah. तो अपने कपड़े पहन रहे हो साउंड बट यू नो जब लोग पैसे कमाते हैं तो वो ये सब चीज़ें करते हैं हर तरह के ऐसे इसोटेक्ट चीज़ जिसको तुम

ये सब अगर तुम चीज़ों ने सॉर्ट कर लिया तो फिर यू आर गोइंग समवेयर क्योंकि नहीं तो भाई बहुत बीटी आती है महीने के एंड में अगर तुम्हारे को कोई चीज़ करनी हो तो तुम्हारे पास नहीं है फिर क्या करोगे मैंने तो बहुत बहुत लेट करी थी ये चीज़ मेरे को री इन्वेस्टिंग किसी और अच्छे बिजनेस के दिग्गज ने सिखाया था अच्छा मुझे तो ऐसा लगता था कि जो टैक्स के पैसे हैं वो भी मेरे हैं मेरे बिलको जीएसटी पेहन चो हम फिर गरीब हो गए मेरे को तो अभी तक टैक्स भरने की नौबत नहीं आई है आज क्योंकि मैं बताता ही नहीं मजाक है भाई ये ए टेंशन यारी, ये यू ऐसे बोलते नहीं है लोग एक एक बड़ा वियर्ड सा इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट करते हैं ऑडियंसेस पे ऐसे बोलते ना अरे ये जनता है जनता सब जानती है घंटा <laughs> मेरा जनता ऐसे बैठी है <laughs> <laughs> भाई आपने जो डोक मारा उठा मैं समझ गया देखो सर इस पे मेरा <laughs> कोई वो <हो> नहीं है <laughs> मैं 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 भूल जाता हूँ किसके साथ बैठा हूँ ये, ये पेट्रीस ने बोला था इसकी शर्ट इसकी इसका फेम इसकी मूछ एक दिखावा है ये अंदर से वही आदमी है मैं नहीं हूँ मैं आई एम आई एम एक्टिवली ट्राइंग टू चेंज डिड यू वॉच द न्यू क्रिस रॉक स्पेशल

वो कहीं ना कहीं वो अच्छा बहुत वो चीज है मैं ऐसा मानता हूँ जैसे गोरे थोड़े बहुत जैसे टट्टे हैं जो हर रेस का मजाक बनाता है Usually क्या करते हैं मेजोरिटी ब्लैक गोरे भी बैठे हैं गोरो का मजाक बना लेंगे अरे गोरो रेसिज्म ही चल रहा होता है जोक्स के माध्यम से वेरी सडल रेसिज्म जो वो कर रहे होते हैं कि, yeah. मतलब हमें तो आपने कुछ दिया नहीं हू ही शुल्स बहुत चंट है वो ग्रे एरिया में बहुत ऑपरेट करता है

उसको ऐसी, ऐसी चीजें करवा रहे थे जिससे उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी मैस्कुलिनिटी जो हो रही है इज राइट एंड देन ही लेफ्ट इट तेरह साल तक कुछ नहीं किया अफ्रीका गया घूमा ओहायो चला गया एहले से वहां mm. पे एक छोटा सा mm. घर भर लिया बहुत ही मॉडर्स्ट लिविंग करी उसके बाद आया खुद और एनी एंड बिल्कुल स्विच्ड बिल्कुल mm. मचर बिल्कुल नया स्टांस एकदम नया कॉमेडी एंड एवरीथिंग एंड आई थिंक दैट इज वेरी मच नीडेड

ही वुडेंट हैव अ करियर जिस टाइम पे वो था जितना था आई थिंक उतना ही अचीव कर पाता वो बंदा आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं कर पाता जिस तरीके की सोशियो पोलिटिकल क्लाइमेट है हमारे प्रायर वाला मैंने वो देखा था उसके अंदर वो कह रहा है मतलब yeah. अपनी बीवी को मारने की बातें कर रहा है वो क्योंकि उस टाइम पर वो सब प्ले कर सकते थे अब नहीं होता इतना सब कुछ ना यू हैव टू मतलब वही होता है ना

कुछ हुआ है नहीं कहाँ है वो वॉर चल रहा है लाइक आई वही मैं कह रहा हूँ कॉमेडी जि, हम जिस सोशियो पोलिटिकल क्लाइमेट में हैं आई फील लाइक जेन्यनली हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कोई भी ऐसा स्टैथ नहीं है दैट इज परफेक्ट तो स्पेशली वेन इट कम्स टू कॉमेडी इफ यू हैव अ स्टैंस यू आर मोर डूइंग मोर हार्म देन गुड वॉट यू थिंक अमर वीर दास यू थिंक इज अ कमेडियन आई डू नॉट लाइक पीपल हु डू लाइक कॉमेडी ऑन पॉलिटिक्स

पहले से वेरी लाइकली लोग कर देंगे। बट yeah. एक होता है कि भाई चलो ठीक है अगर वो सोशल पॉलिटिकल क्लाइमेट होता भी नहीं है ना इंडिया में होता भी नहीं मैं सही में बताऊं ना मेरे को तब भी हंसी नहीं आती स्टैंड अप कॉमेडी देखने के लिए मेरे को हिंदू पढ़ना पड़ रहा है ना एक दिन पहले या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ रहा है यू आर नॉट बट आई थिंक ही Audience. नहीं नहीं इट्स अ बंच ऑफ सेल्फ मतलब वो जो ना प्रिटेंशियस पीपल ओ जिनको अच्छा <laughs> लगता है जिनको अच्छा लगता है कि हाँ ओ मैंने इस चीज के बारे में पढ़ा था किसी ने ओ मेरे हाँ नहीं भाई दैट डिफीट्स होल पर्पस ऑफ कॉमेडी ऐसे लोगों को क्विजिंग में जाना चाहिए हाँ भाई तू इधर क्यों बैठा है भाई तू क्यों बैठा है भाई तू अपने पांच लड़कों के साथ में बैठ के वही सेम चीज बोल सकता है भाई बट ठीक है भाई अब जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं आई एम नॉट गोइंग टू से मतलब नहीं करना चाहिए दैट इज योर योर हसल दैट इज आर्ट फॉर्म सीम्स लाइक यू स्पेंड लॉट टाइम ऑन योर ओन कॉमेडी फिलोसफी से इतने उससे आ मेरे मेरे को नहीं पसंद आता भाई मेरे को नहीं पसंद आता जब कोई ग्रैंड नरेटिव अटैच करते हैं भाई कॉमेडी के साथ में क्या कर लिया भाई इतने सारे कॉमेडियंस आए लोग बोलते हैं नहीं ब्रो कॉमेडी जो है वो उससे ना वी कैन एक्चुअली रेज वॉइसिस क्या कॉमेडी इतना सब कुछ किया क्या हुआ दंगे फिर भी हुए लोग फिर भी मरते हैं वर्ल्ड वॉर टू हुई ना हुई ना चार्ली चापलिन ओह दिटेक्टर क्या मूवी बनाई है क्या wow, wow, क्या हुआ है? हाँ। क्या हुआ हाँ। हाँ। है मजाक कर पाए हम कुछ नहीं होता उससे कुछ वो नहीं बनता कि भाई प्रोटेस्ट बढ़ते हैं हम लोगों ने कुछ नहीं होता तुम तुम जब कॉमेडी बनाते हो किसी भी पॉलिटिकल उसको अटैक करने के लिए वो प्रोपोगाडा होता है एंड जब तुम प्रोपोगाडा करते हो फिर क्या आता है रिटेलिएशन आती है सेम चीज करके वो फिर रिटेलिएट करते हैं अपने जोक्स लेके भाई जो वही वाली चीज हो गई तू कैसे कह रहा है तू कैसे कह रहा है जोक्स में hmm. तो मेरे को नहीं लगता कि भाई कॉमेडी से कुछ ऐसा अचीव होता है आई डोंट आई 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 रिफ्यूज टू बिलीव कि मतलब कॉमेडी विल एवर हेल्प पॉलिटिक्स आई एग्री विद दैट बट आई आल्सो थिंक व्हाट कॉमेडी डज इज इट गेट्स द अनसेबल इनटू द पब्लिकज माइंड सो दे कैन से इट मतलब एक कमेडियन क्या करता है वो and i'm saying this as a layman as a watcher of comedy not as a comedian myself mm -hmm. he says the unsayable mm -hmm. or the unspeakable so mm -hmm. that i have relief that kisi ne, mm -hmm. mm -hmm. ne stand up it. dekha ha uh -huh. stoners be like unsayable hai, i'm telling you stand up comedy is about clowns for clowns and off clowns simple as that comedy is clownery and if you attach a attach a grand narrative इट होल नहीं रहती फिर वो चीज़ फनी समाज में एक ऐसी जैसे हम हम ना बहुत सारे ऐसे रूल्स बना लेते हैं कि हम ये बात नहीं कर सकते ये बात नहीं कर सकते कुछ नहीं होता तुम न्यूज पेपर खोल लो वो बातें होती है न्यूज तुम ऑन कर लो सारी बातें होती है ऐसी कोई बात नहीं जिसके ऊपर बात नहीं होती है तुम कभी भी ट्विटर खोल लो फेसबुक खोल लो सारी बातें होती हैं ऐसा तो कोई कमेडियन नहीं है जो ऐसे ढूंढ ढूंढ के टॉपिक्स लेकर आ रहा है भाई भगवान घुसे इनके अंदर एक फिलोसफी लेकर आए जैसे मैंने मानक माना की वो तीन कॉमेडीज देखी जो कि बहुत बढ़िया है ठीक हाँ, है हाँ जब उसने दिल्ली पुलिस को गाली दे दी हाँ और उसने बोला पुलिस तो ऐसी होती है

ये रहता है बस ये अब वो बंदे के ऊपर है कि वो उस चीज के अराउंड कैसे खेलता है कैसे नहीं खेलना मैं, मैं तो भाई मैं सही बताऊं मैं पॉलिटिक्स से इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं हूं पॉलिटिकली चैलेंज्ड मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है भाई और मैं अगर कोई स्टांस लूंगा मुझे पता है मेरे को फिर सजाया जाएगा जूतों की माला के साथ और भाई मेरे को भाई फिर मेरे भाई पूरा चेहरा होगा काला गधे पे बिठाएंगे मेरी गली में ही चढ़ाएंगे मेरे को मेरे को नहीं चाहिए भाई ये सब चीजें

ऐसी कोई बात नहीं यार तू तो गलत समझता है यार तू ना तू मेरी भावना नहीं समझ पाया यार मैं ना, ना कुछ ना कहना चाह रहा था दूसरा अच्छा अच्छा तू सोरी, दूसरी सोरी, ट्रेन में चला गया सॉरी सॉरी वहाँ चला गया सोनीपत आगे बोलो भाई आगे बोलो ठीक है तो ब्रो आप कुछ और टॉपिक पे बात करनी है यार भाई कुछ डिफरेंट टॉपिक पे आप कुछ अपने विचार रखना चाहोगे भाई राइट की बात ये थी कि मैंने कभी पर्सनली एक दंगे के अंदर मैं ऐसा कभी नहीं रहा कैसे मेरा एक दोस्त है वो बहुत साल पहले ना जैन जाता ईट उड़ के आई थी मुंह पे और उसकी विचारधारा बहुत लेफ्ट की तरफ थी और एकदम से सेंटर आई यू की <laughs> जैसी ईट पड़ी और बाई <laughs> 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 भाई का स्पेक्ट्रम मिलेगा <laughs> <जोर। laughs> नहीं सरकार ठीक क्या देख कई बार सरकार में दिक्कत नहीं है पता नहीं क्या है इनके चक्कर ब्लू बालों वाले क्या ही बोलते रहते हैं भाई तो दो लट पड़ते हैं ना आदमी को जनरेशनल वेल्थ वाले स्पेशली वो ठीक हो जाते हैं भाई देख माइकल कोरली को दो लट पड़े थे और उसने बहन पूरी आर्मी गॉड बना दी ये तो है और वैसे ही शाहरुख खान को दो उंगलियां पड़ी थी और उसने माय नेम इज खान बना थी <laughs> अरे उसका प्रोस्टेट एग्जाम हुआ था यार एयरपोर्ट में आई <laughs> oh, oh, ये, yeah, yeah, yeah. ये नहीं समझ में आया कि मतलब ऐसा कैसे उसको फ्रिस्क किया कि आई नीड टू बी रिटार्डेड फॉर दिस फिल्म

भाई बॉबी ली से उसकी उसकी बीवी ने पूछा टॉम से क्यों यार भाई कोरियन लोगों में डाउन सिंड्रोम होता है कह रहा है तू मेरे को सेटअप कर ले कुछ रिसिस्ट कहने के लिए कहता कहता यू नो विद कोरियंस यू जस्ट कांट टेल हां ये तो होता है स्पेशली इफ ही इज फैट एंड बॉल्ड हां और दैट देन इट मेक्स इट वर्स बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाट सिग्निफाइज डाउन सिंड्रोम इज इट द स्मॉलनेस ऑफ द हेड इन अ वियर्ड वे लाइक

ही थॉट दैट इज जोवियलिटी और इज लाइटनेस कुयर लैक ऑफ आइडिया बहुत सारे लोग ऐसे होते, हाँ। होते हैं पर चूते होते, होते हैं yeah, yeah, yeah. बिल्कुल सही बात है ये तो है ये तो बिल्कुल फैक्चुअल बात है मैं मैं इसीलिए ही घुसा था कॉमेडी में क्योंकि मेरे को लगता था इसके लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी जेनुइनली लोग बोलते हैं ना कि लॉ में ऐसे लोग घुसते नहीं भाई कॉमेडी में ऐसे लोग घुसते हैं

तो उसके लिए हमारे ना एक सर थे आलम सर करके उन्होंने बोला था यू हैव टू स्टे इन कैरेक्टर इवन व्हेन यू आर ऑफ ऑफ द स्टेज और मैं oh, पूरा से स्मार्ट हो गया था भाई पूरा ऐसे ये नहीं करना मुझे <laughs> मैं नहीं रहना चाहता ऐसे <laughs> भाई पूरा वैसे हो गया था पूरा स्टूडियस हो गया था भाई घर पे जाता था मैं ऐसे पढ़ता था भाई पूरा का पूरा ऐसे पढ़ता था कि भाई नहीं भाई अच्छे से वैसे ही बैठना है ये वो क्योंकि भाई पता नहीं इट्स इट्स आई थिंक परसोना में आना टू गेट थिंग्स डन इज वेरी मच

आपको ये सब बातें आपके सारे बाहर निकाल लो, निकाल लो लिए ठीक है अब आप आप वो जब एक्सेप्ट कर लोगे कैसे आगे बढ़ सकते हो वो तो खुद ही है, है नौकरी मेरी नहीं लग रही आ, बंदी मेरे से बात नहीं कर रही आ, तो कैसे अब एक्सेप्ट कर इसे क्या होगा आ, कर लिया डिनाइल कौन सा था तू देखो पता ही उसके बाद आपको वो वाली चीज करनी होती है आप टाई पहनते हो एम एल एम की मीटिंग अटेंड करते हो बहुत सारी इधर उधर जाते हो मोटिवेशनल <laughs> स्पीचेस याद करते हो भाई एक टाइम पे तो मैं ये करता था मैं बोलता था यार ऑफिस आ रहे हैं ना शर्ट पहन के आते हैं फिर कुछ हो नहीं हो नहीं हो बहन, पहन के क्या है फिर मैंने कभी नहीं करी <laughs> नहीं नहीं फिर आप नहीं कर रहे हो तूने तो करी मैं, कर मतलब uh, है कि मतलब सारे लोग बस बैठ जाते हैं कि पैसे किस चीज में इन्वेस्ट हो रहे हैं बट लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई ये नहीं बता रहा बस ये लोग बता रहे इतना इन्वेस्ट किया था और ये ये हो गया था इफ यू डू इट यू कैन डू इट एज इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट एज वेल और वो वहां पे ऐसे ऐसे लोग बस बैठे हुए होते हैं जिनको देख के लग रहा है कि भाई इसने भाड़े पे लिया है सूट जस्ट टू सिट हियर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिस बिकॉज देर सो अप कि मतलब उनको कुछ है ही नहीं करने के लिए तो दे आर रेडी टू एंगेज इन एन एम एल एम स्कीम एंड एवरी थिंग जिसका कोई सरपैर नहीं है कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या क्या नहीं है कोई एश्योरेंस उसमें यही होता ना कि आपको पैसा तो मिलेगा रिक्रूट करोगे वही तो मैं बट yeah, right? yeah, yeah, yeah. वही है यूनिफॉर्म होल्ड पावर Hmm. Every time you wear a uniform. मैंने इतनी एक बकचोद स्ट सुनी थी अब मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है कि मैंने बहुत साल पहले जब जब जब, जब शॉर्ट्स और रील्स आई आई थी ना तब मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी आप कपड़े धोते हैं धोया hmm. हाँ. हाँ. मत करिए ड्राई क्लीन कराया करिए क्यों ड्राई क्लीन कराएंगे ना आप वो अपनी कदर होगी आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी वो बंदा ऐसे स्टेज पे पेश करते हुए वो दे रहा था और लोग उसके नोट्स ले रहे थे इस बात की कोई सेंस है है इट वही ना सुनने में अच्छा लगता है मतलब मोटिवेशनल स्पीकर ना एक तरीके से मैं बोलूं तो सही मायनों में ट्रैपर्स हैं जो करते हैं से और trappers, कोई trappers मतलब, क्या होते हैं मतलब मतलब वो वाला जो होता है ना आई वुड से रैप और ये उसको बस एक गोल्ड की चेन पहना दो Uh, यार मैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसे लगाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाने के लिए हाँ. आप आज ही कर सकते हो याँ. जाओ उठो याँ. करो याँ. मैं जब ऐसी बातें करता हूँ अपना कॉन्शियस बिट्रे करना शुरू कर देता हूँ मेरे को ये बात झूठ है बट आई थिंक मोटिवेशन ना वहाँ से उस सोर्स से ज्यादा आनी चाहिए जो आपको ढंग से जानता है Hmm. मतलब जो आपको जो आपकी असलियत और प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकता है मतलब आई थिंक इट डज मोर हार्म देन गुड अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है यू हैव द सेम ट्वेंटी फोर आवर्स एज एनी अदर पर्सन एंड इट ओवर लुक्स द फैक्ट कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है जो उस बंदे के पास हैं hmm. जिसका काम ईजी बनाते हैं है ना तो आई वुड से मोटिवेशन एंड एवरी ठीक है बट एड्रेस द फैक्ट दैट

जनरली अच्छी प्रोजेक्टरी जा रही है पहले से या yeah, या yeah. मैंने हसल ये मारा था कि मतलब जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था मेरे घर वालों ने मेरे को दिया था एक अल्टीमेटम यू यू हैव हैव ईयर विद योर सेल्फ डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड प्रूव इट टू अस डेट वाई यू शुड नॉट बी डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स का जॉब तो आई डिड इट मैंने पी सी वी सी के पैसे जुगाड़े लिया स्ट्रीमिंग वीमिंग स्टार्ट कर दी देखा ही नहीं उसके बाद पीछे म्यूजिक्यूजिक जितना था वो बस कर दिया कर दिया रिटर्न के बारे में सोचा ही नहीं क्योंकि मैंने समझ, समझ लिया था कि इफ आई एम जस्ट लेट्स ट्राई बींग कंसिस्टेंट फॉर वंस है ना एंड देन आई सॉ इट भाई कि पहले भी जब कंसिस्टेंट रहा था रिटर्न आए थे इस बार भी कंसिस्टेंट रहा हूँ तो रिटर्न आए थे फॉर मी दिस दिस वॉज मोस्टली लाइक कि जो मैं शिट पोस्टिंग करता हूँ रोज उसको एक मोनिटाइज फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं शुरू शुरू में हाँ कम थे और धीरे धीरे करके वो बढ़ ही गया ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब प्रॉब्लम आई आई ऑलरेडी हैड एन ऑडियंस

आई थिंक वो चीज बहुत हेल्प करती है बंदे इट्स अ गुड मेंटालिटी क्योंकि उसके बाद लाइक इनफैक्ट उससे मुझे याद आया रॉबर्ट ग्रीन ने 48 लॉस ऑफ पावर में एक चीज लिखी हुई है hmm. उसने बोला है कि व्हेन यू आर फेसिंग अ डिफिकल्ट एनमी एंड यू हैव गॉट योर मेन अराउंड यू सो हाउ डू यू मेक श्योर दैट दे फाइट एंड यू विन या एंड यू रिटर्न होम 7300 बंदे मेरे पास 200 बंदे हैं क्लियर चांस ऑफ लूजिंग

टू पूरा का पूरा मार्केटिंग ये सब कुछ देखना पड़ेगा आपको पूरा मतलब एंड uh, बहुत uh, अजीब बात होती है ये कहना कि आप लोगों के पास टाइम uh, नहीं रहेगा नो ऑफ डेज एंड एवरीथिंग बट इफ़ यू वांट टू सर्वाइव दिस इज वॉट यू हैव टू हमें आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट द फर्स्ट वन एंड हाफ ईयर बिल्डिंग का दोन ईयर ऑफ बिल्डिंग दोस्त नो वीकेंड्स या Never. और मेरे yeah. को ऐसे कोई मैं अकड़ में नहीं बोल रहा कि देख मेरी हसल देख मेरा जनरली yeah. हम एक उल्टी गंगा now, like, like it's, it's, पास एक नहीं है और like 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 yeah. 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 uh -huh. no. ये ऊपर ऊपर की है सच जो होता है ना वो मैंने देखा है क्या होता है छोटा होता था ना मैं सोचता था भाई मेरे को ना भाई क्रिएटर बनना भाई आर्टिस्ट बनना है ये जितने भी भैया है ना जो ऐसे रॉक बैंड पहन के ऐसे हाथ में घूमते हैं स्पाइक्स लगाते हैं पूरे दिन बस बैठे रहते हैं करते हैं है ना मस्ती मारते हैं बाइकों पे घूमते हैं म्यूजिक बनाते हैं म्यूजिक है, वैसा बनना है और अब जब मैं बड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ ऐसे लोगों को हाँ. क्योंकि मैं उन सर्कल्स में बैठता हूँ एंड एवरी थिंग एटी परसेंट ऑफ द पीपल देर जस्ट लेजिंग अराउंड दे जस्ट लव द फैक्ट दैट दे लुक द पार्ट

Mirko, na badi painfully, I had to let go of the artist inside me yeah. when trying to scale. Yeah, yeah. Because the artist cannot scale. Yeah, the artist can quote unquote just try to experiment, experiment with the truth yeah. and put it out. Yeah, the businessman can be unemotional an and scale. Uh -huh. Right, and you will find out that the best content creators in this country are not, not artists. Uh -huh. well, they're all business, businessmen. businessmen. It's sad, but it's true. It's, it's true. True. And then every every once in a while, you can retrace some part of your art and find another side yeah. project. Yeah, yeah.

जो उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं, जो उनके साथ इन्वॉल्व हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो एंड योर कोट एंड वो वाली चीज की आई टू स्टे ऑनेस्ट टू माई वर्क उस चीज की वजह से तुम तो लोग बहुत सारे लोगों के ना घर में खाना नहीं आने आ रहा है एंड वो वाली चीज हो रही है ये तो हम नहीं hmm. करेंगे भाई, इन सब में हम लोग नहीं पढ़ेंगे बट यू नो आई एम मतलब गोइंग वे आउट देयर कि नहीं भाई हम तो बस हम बहुत नीच काम करेंगे

गेट सम मनी टू डू दिस आगे तो फिर ये बोलते थे नहीं भाई यहाँ पे तो कदर ही नहीं आर्ट की जो सबसे बड़ा झूठ है ना ये यहाँ पे कदर नहीं आर्ट की एन एवरी थिंग नो बडी ओज यू असन नो बडी ओज यू अफ नो बडी ओज यू अ क्लिक नो बडी ओज यू वॉच टाइम ये बताना चाहिए लोगों को कॉन्टेंट क्रिएशन में Boy, you've become so wise for you. कि बताओ भाई की तुम चाहे मेहनत कर लो दिन रात लगा लो तुम्हारे को फिर भी नहीं मिलेगा आर यू रेडी टू डू इट फिर भी कर सकते हो है औकात ये नहीं है लोगों को लगता है नहीं भाई इसने ऐसे ऐसे किया था मैं ब्लू फॉलो कर लूंगा मैंने इतना कंसिस्टेंट रहूंगा नहीं होता भाई इन सब चीजों से नहीं oh. है इस चीज में कोई एश्योरिटी कि आपको मिलेंगे रिटर्न बिकॉज नो बडी ओज यू एनी थिंग स्पेशली इन कॉन्टेंट क्रिएशन मेरे को एक चीज बता हाउ इज कॉन्टेंट क्रिएशन एक्चुअली एक्टिवली एडिंग टू द इकोनॉमी और एनी एनीटर इन इंडिया डायरेक्टली एंटरटेनमेंट के लिए है भाई तो ऑल होता है है चलो वो ठीक एजुकेशन को साइड में रखते हैं एजुकेशन को साइड में रखते हैं पर क्लाउनरी हो गई म्यूजिक हो गया कुछ भी इट इज नॉट एडिंग टू एनी थिंग इट इज फॉर एंटरटेनमेंट इट्स इट्स वो वाली जो चीज होती है ना कि नहीं भाई तुम्हें कदर नहीं है

अब आप उसमें बोल सकते हो ऑडियंस डोट अंडरस्टैंड माई टेस्ट माई टेस्ट इज फिर आप में और एक एकस्ट में कोई फर्क नहीं हाँ वो 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 तो है बात यू नो वोट योर टेस्ट इज इजर्व फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली योर जर्नल्स प्राइवेट प्रोजेक्ट्स यू प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एन ऑडियंस उस पर आ रही नहीं आ रही बट इफ यू आर इन पब्लिक फेसिंग बिजनेस लाइक कॉन्टेंट सडनली से आई एम ह्योर कम टू दिस लेवल अदरवाइज ठीक है मतलब हाँ मैं ये भी मानता हूँ बाउंड्रीज होनी चाहिए ठीक हाँ। है कि हाँ मतलब मैं ये ये चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ ये चीज़ें मुझे फनी नहीं लगती बिकॉज़ है, है, है लोग तुम्हारे बोल रहे ल, 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 बोले जा रहे हैं ये नहीं है हाँ। चीज अच्छी बट तुम्हारे दिमाग में तुमने इतना भ्रम फैला रखा है कि नहीं भाई इनको ही नहीं पता भाई इस लेवल का नार्सिसिज्म चाहिए भाई मुझे तो अब ऐसा जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि नहीं भाई सभी चूती ब्रो सभी चूती हैं भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा से ट्रंप बने <laughs> थोड़ा फिर ना मेरे ना मेरे ना कॉलेज uh, में रूममेट तीनों बहुत बहुत लिबरल थे एन पी आर सुनने वाले एक मेरा रूम एक हाउसमेट था उसने कम्युनिस्ट रशिया के सारे पोस्टर लगा रखे थे अपने उसमें huh. और हम ठहरे फरीदाबाद के बंदे तो थोड़ा बहुत चलो ठीक है आई I मीन mean.

क्यों करूं मैं यू नो लाइक आई 4 एएम आई जस्ट वांट टू सी योर टिट्स मैन कम ऑन आई जस्ट वांट टू सी सम टिट्स व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस या एक वो उसकी कौन है वो बिल स्मिथ का बेटा यार बहन जो क्या नाम है उसका अजीब सा जो है हां जेडन जेडन हां बैठ के व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इकॉनमी हां कर 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 तू कर ना कर कर मुझे बता तू भाई कैसे इकोनॉमी क्या क्या किसके ऊपर बात करनी है ये वो वाली चीज नहीं होती मैं एक्चुअली स्मॉल टॉक में बिलीव नहीं करता कर तू आजा तू बता मुझे क्या बड़ी बात करेगा बता कर। बता बता कि हाँ, कॉस्मोस और डीप हाँ, कननोशेशंस क्या, क्या होती, होती है? है मुझे बता पढ़ा मुझे अभी बता भाई मैंने तो इस पे एक छोटा सा निबंध भी लिखा है स्मॉल हाँ, टॉक के ऊपर कि हाँ, इट इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ सिविलाइजेशन हां भाई बिना उसके आप सीधा कैसे बोल सकते हो श्रीमान हाँ। आपको आपको शिश्टी के, के रचना बारे में आप क्या राय <laughs> तो है वो लोकल लोग है, वेदर की कर रहे थे हाँ। तो, तो और क्या, क्या बात करें भोसडी के तो पहली बार मिला किसी आदमी से वो तेरे ये थोड़ी पूछेगा भाई डू यू थिंक अबाउट यू नो लाइफ इन जनरल भाई तू फूकता है क्या क्या भाई क्या हो गया भाई इतने ज्यादा फालतू में डीप रहने की कोशिश और ये सब क्यों? भाई बहन मैंने कल रात को रील देखी फिर मैं हंसा उस चीज़ हाँ. पे जिसमें एक बंदा नहीं कह रहा था क्या हो गया भाई मेरा दिल समझ अटैचमेंट है भाई और कुछ नहीं है ये बोलना की जा रहा कैसे हो गया मेरे साथ मेरी मेरी कट्टा हो गई मेरी बेचती हो गई मेरा ईगोलेटको नहीं कर रहा

But it's such a, कितने सारे ऐसे बंदे होते हैं जो अपने हार्ट ब्रेक को देते हैं तो फिर हाँ. मतलब अगर ज्यादा चीज बना रहे हो मेरे को सही मायने में बताऊँ ना मैं जब लाइफ पे जाता हूँ आधे टाइम जो मेरे दिमाग में जो पहले ख्याल आते थे दो तीन साल पहले मैं उन्हीं को ही क्रिटिसाइज कर रहा होता हूँ अपनी ऑल्टर ईगो जितनी भी मतलब पहले जैसे मैं था और वो सारी चीज़ें अन, अन, अनल, कर करके कि मतलब हाँ मेरे दोस्त वोस्त इन सबको ही देख के करा है मैंने मतलब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को भाई समाज का कुछ भला करना है कि मतलब मेरे को कुछ सिखाना है इन लोगों को, को मेरे को लन फर्क नहीं पड़ता मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई जो इंसान ये बीड़ा लेता है कि मुझे समाज को कुछ सिखाना है हाँ। वो ही इंसान बहुत लाइकली है झूठ बोलने के या फिर मोस्ट लाइकली टू से द या यू नो

ये ना मतलब आज की मैंने देखा ये वोकिज्म और इन सब में लोगों को ना वो जो पेडस्टल है ना मोरालिटी का हाँ। वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ना एक टाइम होता था आज से बहुत साल पहले जब लोग बदतमीज अगर होते थे ना तो उनको मजा आता था स्ट्रेट अप बदतमीजी होती थी ऑनेस्ट बदतमीजी होती थी आज की डेट में ना अगर आपको किसी के साथ बदतमीजी करनी है आपको पहले मॉरल ग्राउंड लेना पड़ेगा तो मुझे सही में लगता है कि जो लेना होता है और ये सब कुछ जो करना होता है ना उसके पीछे एक लेवल ऑफ टोन ऑफ की मेरे को बदतमीजी करनी है इट्स इट्स आई थिंक इट्स मोर इवल You're hiding your true intentions. Yeah. You're hiding your true intentions. कि आपको किसी को नीचा दिखाना है। जैसे रिपब्लिक डेमोक्रेट कार में बोलते हैं। Yes, yes, yes. कि मतलब but but घुमा फिरा के आपको बदतमीजी ही करनी है। Personally किसी को directly नीचा दिखाने में, हाँ। में जो मजे होते हैं ना। हाँ। I'm still very old school इंसान। yes, yes, मतलब yes, मेरे yes. को ऐसे बजाय देखने हैं कि हम बहुत मान हैं। I still prefer तेरी माँ की चूत। क्या करेगा? वही वही। मेरे को � एटलीस्ट पहले जब किसी की बेइज्जती होती थी किसी को हाँ। कुछ करते वो स्ट्रेट अप होती थी अब भाई पहले किसी बंदे को पूरा ये बताना पड़ेगा ही इज द मोस्ट पर्सन है आ, ना कि तुम कितने नीच हो तुम्हें कुछ नहीं पता तुम ऐसे हो तुम वैसे हो और तुम ये बोल रहे हो मुझे लगता है कि भाई एटलीस्ट एक ऑनेस्ट लेवल के साथ तो बदतमीजी हो जाती थी पहले मैं तो बत, मैं तो इंटरनेट वाली बदतमीजी को वैल्यू ही नहीं करता हूँ क्योंकि जिन लोगों ने मेरे ऊपर आज भी प्रहार करे आज तक भी जिंदगी में वो कभी मेरे सामने मुंह पे मुंह पे नहीं बोल पाते जो मिलते भी हैं अरे भाई साहब भाई साहब बड़ा अच्छा है इंटरनेट लेंगे ये बड़ा ऐसे मैं तो सर आप मेरे मुंह पे आप आओ मेरे से मिलो आप हाँ। आप 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 मेरे से कहीं इस समाज में कहीं मिलो आप आपको मेरे जैसे तेरे हाँ। को मेरे से दिक्कत है तो मेरे से आके बैठ बात कर yeah. करते ही नहीं है घर बैठे 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 मुठ मारते हुए ऐ इसकी मैं आगे चुकी थी बहुत घटिया आदमी क्यों वैल्यू है इस बात की I, मतलब यू नो इन लॉर्ड वेज आई मैं ग्रैंड पाइन सेंस ब्रो वो ना

बेस्ट भाई और क्या चाहिए भाई बताओ यार मैं सोया कपिल, मैं उस दिन। कपिल शर्मा जैसा आदमी अगर भाई पब्लिकली तेरी माँ की चूत नहीं बोल सकता तो फिर भाई समझ लो भाई इंडिया खराब हो जा रहा है भाई धीरे धीरे मतलब उसमें जो मजे होते हैं ना कि आपने किसी को किसी हाँ, हाँ। ने आपको लंबी चौड़ी बातें बोली आपने उसको बोला गाड़ मरा ले मरा ले भाई ये चीज कैसे हम लोग सेलिब्रिटीज को क्यों छोड़ रहे हैं भाई कैसे नहीं बोलने दे रहे हैं हम लोग सेलिब्रिटीज को गाली देने के लिए क्यों नहीं करने दे रहे

मजा आया भाई भाई ने पैसे कमाए हैं भाई ने पैसा मोटा पैसा आया भाई पे मेरे को इस बारे में सल सलमान खान बहुत बढ़िया लगता है, है ना सलमान खान ने रिसेंटली फिल्म फेयर में आया वो हाँ, देखी तूने वो? हाँ हाँ। फिल्म फेयर वालों के सामने कह रहा कह रहा हम इनके फिल्म सेट करो थोड़ा कसम से भाई मैं चाह क्योंकि ना मैंने देखा है जो पापर होता है ना वो पकड़ा है इन सब चीजों के बीच में

तो ऐसे जो लोग होते हैं ना ये नॉर्मल चीजें कभी इंजॉय नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में आई थिंक थिंकेंट क्रिएटर राइट आप ये समझो ना यार भाई आपने तो दे दिया सुपरस्टार बना दिया अब ये भी तो सोचो उसके घर में बेटा भी तो है उसका उसका क्या होगा उसकी तो गांड मरने वाली है भाई इतनी एक्सपेक्टेशन इतना सब कुछ आज की डेट में कोई एक्टर का बेटा बहन चो सिगरेट नहीं फूक सकता क्योंकि वही कुछ पार्टी नहीं कर सकता कुछ जाके बंदी के साथ नहीं बैठ डेट पे नहीं जा सकता कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इतनी अटेंशन है नॉर्मल लाइफ ही नहीं होती उन लोगों की हम तो क्रिएटर हैं हैं हम 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 तो 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 जा सकते हम हैं। तो करते, हम तो हैं ऐसे तो तबाही तबाही मचाने मेरे कहने का मतलब ये है अधिकार है ओवर एक्सपोज होना स्टार का अधिकार है हाँ। अंडर एक्सपोज होना अगर ये दो इकोनॉमी समझ जाए हाँ। कि स्टार मिस्टीरियस है क्रिएटर रिलेटेबल है तो ये दोनों इकोनॉमी चल सकती है जब स्टार तो फिर relative... क्यों बिठाते हो स्टार के साथ क्रिएटर को ये तो कह रहा रहे वो तो दिक्कत है क्यों बिठा देते हो भाई हर प्रमोशन में अरे सर आइए आपके इतनी रील आती हैं क्यों बिठाते हो भाई उनको अलग ही रखा करो ना फिर सचिन तेंदुलकर का कल परसों ही बर्थडे था हाँ जिस जिस क्रिएटर को फॉलो सब ने एक रील बना ली उसके साथ बताओ आयला बैठ पे, का ग्रीप देख रहा है ना <laughs> 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 से भाई भगवान बना दिया जाता है भाई भगवान

<laughs> इसका मैं आपको वो देता हूँ <laughs> साइंस <laughs> विनम्र कसाना नो फैप आर्क <laughs> <laughs> नो फैप आर्क भाई साहब मैं आपको बताता हूँ uh, अब आप जैसे आजकल बोलते हैं मॉर्निंग सेक्स होता है ठीक है तो आप uh, अपनी बंदी के साथ हो तो yeah. आप डिपेंड करता है अभी क्या ऐसे था? ओयो से लेके फोर सीटर होटल अपना घर yeah, किसी दोस्त yeah. का घर पीजी कुछ भी हो सकता है yeah. कुछ भी ऐसा था yeah. तो सुबह सुबह मॉर्निंग सेक्स कर लिया आपका वीर खत्म अब आप खुश आप कोई कुछ यू हैव नो ड्राइव

20 से 30 के बीच में इज ट्राइंग टू तो बिल्ड समथिंग या yeah. ठीक है ना एंड दैट्स अ वेरी वैलिड थिंग टू डू वैलिड क्या इज इवन इवन इन गवर्नमेंट अपॉन रूसो एंड आई आई डोंट थिंक इट वाज मोर लाइक कि कम्प्लेसेंट हो गया था मैं कि मतलब मेरे को तो अच्छा लग रहा है रिलेशनशिप में आके एंड एवरीथिंग ये सब तो नहीं था इट आई वाज ट्राइंग टू प्ले बट मेरा तो वो था मेरा 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 वही था कि मतलब इट वाज लाइक कि भाई मैं और कितना टाइम दूं बट मेरे को बाद में पता चला कि भाई ये बंदी है बहुत वीलली इसके लिए कुछ कितना भी टाइम बहुत कम है

You can make one of the most beautiful things. Yeah yeah yeah. You can have memories and poems and yes, like you yes, know, like you know. Yes yes yes. वो सब like, कुछ रहता hai सब कुछ है. है, Wonderful. But then what else? What did you do this year? I loved. Yeah. Great. Yeah. Now what? Now what? what? वही वही. Now what में आता है. फिर तुम्हारे को बस वो चांम बांम ये करते रहो पूरे time वही करते रहो कि hundred ways to charm your girlfriend every day. ये वाली बकचोदी. सब नहीं करना भाई. was that deep bro. Fuck. ये सब नहीं करना होता भाई. मेरे

Yeah. You do not know आगे क्या होगा अगर तुम्हारा सिर्फ गोल ही एक चीज है कि तुम्हारा एक हॉट बंदा है बहुत हॉट बंदा है पूरे दिन क्या करता है जिम जाता है और सोता है नहीं yeah. चाहिए भाई ये सब नहीं होता तुम्हारी एक बहुत हॉट बंदी है वो पूरे दिन बस घर पे बैठती है और पिल्स खाती है What the fuck? हाँ भाई बस pills खाती है और घर पे बैठती है और अपने आप को staff करती है या फिर बस वही सब चीजें करती है। What's the best compliment a woman has given you? Uh, I would say कि मतलब जो मेरा पहली relationship थी, the first thing I would say कि मतलब that was कि मतलब she really recognized that I was creative. Hmm. She was I I think uh, the first not even a fan I would say that she was a catalyst.

दिस इज नॉट फनी और दिस इज यू कैन यूज दिस इंस्टेड ऑफ दैट ये सारी चीजें इट रियली हेल्प्स ये सारी चीजें अगर तुम्हारी रिलेशनशिप्स में हैं आर इन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज देन दैट पर्सन इज एक्चुअली वो जो होती है ना नीड उस पर्सन की तब आती है तो वो चीज़ तो मतलब मेरी रिलेशनशिप्स में उसके बाद से इशूज रहे ही हैं कि मतलब मेरे पास नहीं आया ऐसे लोगों से मैं नहीं मिल पाया हूं. क्योंकि मतलब आई आई वुड से कि मतलब इट्स बिकॉज दे डिस योर क्राफ्ट कंप्लीटली आई से दे डिसमिस माय क्राफ्ट आई थिंक बिकॉज ऑफ माय क्राफ्ट दे हैव बिल्ट अनदर लाइक यू नो इमेज ऑफ मी ऑल टुगेदर एंड व्हेन आई एम इंटीमेट विद देम और आई शेयर थिंग्स विद देम लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन पर्सन दे दे फील चीटेड I oh, I I thought I was in love with this joking, yeah Yeah, yeah. Yeah. jovial person, crazy person, crazy yeah, but his feelings yeah, yeah. He's down and out out sometimes. Yeah, yeah, or yeah, he yeah. wants to have a serious conversation. Yeah, yeah. That's out of the room. Yeah, because yeah, yeah. I want non-stop fun. तो वो लोग but वो वाली जो चीज होती है

दे बिकम दिस पर्सन की मतलब मेरे को नहीं चाहिए जो बंदा मेरी हेल्प करे मैं सब खुद कर लूंगा बट सेम बताओ ना वंस यूर इन योर लेट थर्टीज फोर्टीज एंड यू स्टार्ट गेटिंग प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड यूर नॉट द सेम पर्सन जो बहुत साल पहले था दैट कूड एक्चुअली सर्वाइव इन दैट माइंड सेट कि मैं सब yeah. खुद कर, कर सकता हूँ उस मोमेंट पे तुम्हारी जो गांड लगती है ना वो मर्दों को नहीं पता होता उस टाइम पे क्या होता है और उस टाइम पे ना ऐसा ही पर्सन चाहिए होता है hmm. friend, wife, Son, daughter, चाहिए होता है है तुम्हारे साथ में उस पॉइंट पे चाहिए कोई एक uh, uh, hmm. उसमें वो एक बात कहता है समटाइम्स क्या होता है हम बचपन में हम ऐसे पैटर्न नोटिस कर लेते हैं कि किसी की मम्मी या पापा उसको ध्यान नहीं रखते huh. so बचपन का वो लैक इवेंचुअली बिकम कोर पार्ट ऑफेंटिटी काम नॉट इंडिपेंडेंट है मैं चाहता हूँ किसी पर डिपेंड करो ah. mm. yeah. like, you know, जरूरत होती है यू रन अवे फ्रॉम दैट

Hmm. कि आर सेल्फ रिलायंट यूर सेल्फ इंडिपेंडेंट यू डोंट नीड एनी वन यू कैन डू इट ऑल हर कोई वो बनना चाहता है अलेगजेंडर द ग्रेट हर कोई हर किसी के गोल्स यही हैं, बट दे डोंट रियलाइज दैट इज नॉट ऑप्टिम मतलब टू हैव फंक्शनिंग सोसाइटी लॉन्ग टर्म साइड क्योंकि ये सारे लोग यू विल एज

एंड आध टाइम जो लोग खुश होते हैं ना बूढ़े लोग वो वही होते हैं जिन दे हैव स्टेबल फैमिलीज अराउंड टाइम देर नॉट इन अ फकिंग नर्सिंग होम कि वृद्ध आश्रम में छोड़ाया हमारा लड़का हमें <laughs> ये वही होते हैं भाई एंड उस मोमेंट पे ना यही रियलाइजेशन आनी चाहिए कि भाई लोगों को इट्स नॉट अ सरप्राइज कि भाई क्यों होती हैं ये सारी चीज़ें कि सारे ओल्ड लोग जो हैं उनके बारे में बातें होती नहीं है हमारे मीडिया और इन सब सर्कल्स में yeah. या फिर ज़्यादा कुछ बातें होती नहीं हैं कि वॉट इज लाइफ आफ्टर फिफ्टी वी डोंट कोई एम्फोसिस ही नहीं है कुछ शॉर्ट्स बनती हैं उस पर, कुछ हाँ, बस बन कुछ, है कुछ बहुत ही सिलेक्ट इंडिविजुअल्स बात करते हैं उसके बारे में एंड एवरी थिंग बट देर इज नथिंग बट कहीं ना कहीं ना हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग वहां पे पहुंचने वाले हैं टाइम yeah. के बाद एंड यू हैव टू एक्टिवली वो जो होता है ना कि विद एज यहाँ पे जिस जैसे हम एंड थर्टीज में ऐसा तो है नहीं कि तुम बहन इसमें जिसमें सभी भूल जाओ कि हाँ वो तो बाद में है नहीं यू हैव टू एक्टिवली गो आउट देयर एंड मेक डिसीजन तुम ज्यादा फक अराउंड करते रहो ठीक है कैजुअल रिलेशनशिप्स करते रहो सी इफ यू आर इन टू इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वेरी गुड नाइस तुम्हारे को लगा कि हाँ ये वाला फ्लिंग यहाँ तक चलेगा लिमिटेशन ठीक है? है कोई दिक्कत नहीं है बट इट टेक्स अ टोल वेन यूर इन एंड आउट ऑफ ऐसे बहुत सारे फ्लिंग्स

तो फिर मतलब मेरे को ना ये चीज रियलाइज होगी वॉट डू आई एक्चुअली वॉन्ट इन रिलेशनशिप अब जाके मेरे को समझ में आया एंड आई फील लाइक कि वो चीज़ ना मिसिंग है हमारे मतलब ये कल्चरल जो कॉन्वर्सेशन होती हैं है everything. लोग ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते हैं लोग बहुत सरफेस लेवल की बात कर देते हैं वो नहीं intricate details में नहीं जाते यूजली इंडिया वाले मॉडल के अंदर ऐसा होता कि An arranged marriage equal to lifelong sacrifice and as a result you learn good companionship. Usually that's the case. But that is change. But, but when when we have agency hmm. in our generations, yeah, yeah. like it's it's very unlikely that you and I will marry mm. or have yeah. a long term partner that is chosen by our families. Yeah. It's very, very, very unlikely. Chances are ninety-nine one is to ninety nine chances. Yeah. So you're right, then that conversation bec matters. Because yeah. ek tohyeh, it's chosen for you, so now you yeah. painfully adjust yeah. and you call that sacrifice your life yeah yeah, yeah right yeah, yeah. My painful adjustment with my partner was my life. Yeah. We made a sacrifice. We lo grew, grew, to grew. love each other, right? Yeah, yeah, yeah. Um, when you've got these metrics, this yeah. autonomy, yeah, you're right. These are interesting questions that yeah. if we don't ask ourselves, yeah, we will. Yeah. फिर हम लोग ऐसे पहुँच जाएँगे और बोलेंगे bro, oh नहीं मेरे को तो मेरा yeah. ex मेरे को तो मेरा routine पसंद है ये मेरे yeah. को disturb कर रही है और yeah, yeah, vice yeah, so. yeah. yeah. वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए भाई बंदे एंड एवरी थिंग लाइक द होल मैन ऑज फेयर ऑल्सो दैट इज़ वाई आई डोंट लाइक इट वो इतना ज़्यादा हसल कल्चर uh, और उन सब में इतना ज़्यादा फोकस करते हैं ना कि गो आउट देर अचीव योर ट्रस्ट मी वन आई ऑल्सो आई थिंक एक कैबियाट ये कि द मैन ऑज फेयर वर्क डिपेंड्स ऑन वॉट सीजन ऑफ लाइफ यूर इट या ठीक है मे बी द मैन ऑज फेयर डजेंट वर्क फॉर यू और मी नाउ मे बी या बट फॉर अ डूर हु सिक्सटीन और सेवनटीन लाइक कंप्लीटली कि ब्रो कुछ नहीं है टू अंग बोलो हाँ भाग हाँ मतलब दैट इज ट्रू बट वही तो चीज है ना कि ये जो मैंटेलिटी होती है तुम छोटे हो एंड एवरीथिंग तुम एक गलत अगर उसमें चले जाओ मतलब यूर रनिंग टर्ड्स द सेम डिरेक्शन एंड एवरी थिंग बट विद माइंड सेट है ना थिंकिंग मतलब ये ऐसा ही रहेगा हमेशा क्योंकि आधे लोग ना जब उनको मेहनत करके रिवॉर्ड मिलते हैं ना दे स्टिल गेट दैट है आई एम ओड अ रिवॉर्ड इफ आई डू हार्डवर्क Wow, yeah, दे रही है। hmm. मैं नहीं उठ पा रहा हूँ चार चार बजे तक ये सोलह सत्रह साल के बच्चे है कोड बना रहे हैं मैं नहीं दे पा रहा उतना टाइम उनकी गाढ़ लग जाती है एंड दे गेट रिप्लेस्ड अब कुछ है ही नहीं जिंदगी भर मेहनत करी बैंक बैलेंस है सब कुछ है बन... कुछ है ही नहीं फैमिली जीरो अंडा जो बीवी थी छोड़ गई बच्चे रहते नहीं साथ में बात नहीं होती

इसका टाइटल क्या रखे सेल्फ हेल्प विद अमित बाला भाई यार शिट यार फिर से हो गया मेरा नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ब्रो यू आर स्पीकिंग वर्ड्स ऑफ विजडम क्या बात बारे. कर रहा है तू बहनचो इट्स मेड मी थिंक या डैम और मैंने तेरे तो को बोला था ना मेरी इग्नोरेंस पसंद है या <laughs> क्रेजी <laughs> 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 <Yeah. laughs> yeah. यार पर ये बहुत सच बात है बिकॉज़ आई हैव सीन टू मेनी केसेस लाइक दैट कि there are some very high achieving men और even medium achieving men जो एक ही domain पकड़ते हैं yeah. उसमें ही करते हैं sadly everything else के under मतलब every other part of their psyche is underdeveloped yeah. and this is overdeveloped like I have one strong bicep yeah. the rest of my body is in paralysis yeah, yeah, yeah. So like what या वो 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 कौन सी मूवी है Orwell's की थी ना जो अभी तक की सबसे best Orwell's थी कौन थी थी one of the best movies ever made बोलते हैं जो नाम बोल रहा हूँ जिसके अंदर पूरा मूवी का एक ही होता है एक sled होता है लास्ट में जल जाता है मूवी है यार बेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम स्लेज वो होती है जिसपे सिटीजन केन सिटीजन केन आई केन केन का यही था पॉइंट अगर आप पूरी मूवी देखो यही है कि मतलब वो बंदा ही अचीव्स एवरीथिंग एंड एंड में जाके सब कुछ हो जाता है अलोन सैड इन द कॉर्नर सब भूल गए दुनिया आगे बढ़ गई इवन वो कौन सा है यार हमारा एक एक्टर है जिसने प्यासा बनाई है Uh, तो राजेश नहीं नहीं, नहीं 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 अपना इंडियन एक्टर ही है डायरेक्टर भी था और बोलते प्यासा नहीं देखी गुरु दत्त गुरुदत्त की एक थी। अच्छा। उसका भी यही था आई वुड से प्यासा था या फिर क्या थे? कौन सी मूवी थी हां प्यासा स्ट्रगलिंग पोएट आई थिंक नहीं प्यासा नहीं थी कोई और मूवी थी वो बट यही कि मतलब uh, लोग इतने ज़्यादा हसल कल्चर और इन सब में बिलीव करते हैं दे थिंक कि दिस इज गोइंग टू बी समथिंग दैट इज एवर ग्रीन लेटली आई बीन फाइनिंग आउट दैट द टेक्निक्स एंड मूव एंड स्ट्रेटीज गॉट मी हेर ओन गेट मी देयर आई बीन पुटिंग माई लेग ऑफ द पैडल पैडल स्पेंडिंग मोर टाइम डूइंग द मोट आई एंड इनफ एंडलीफ बिकम्स बेटर काम बेटर होता है yeah. उससे पहले मुझे लगता था कि हमें सात दिन काम करना है हमें फोड़ना है ऐसे अंडर डॉक्यूमेंटलिटी यू कैन स्टिल हैव दैट शोर बट टू रियलाइट कितनी जल्दी यूर गेटिंग ओल्डर एंड बर्निंग आउट सो फास्ट दर यून सर्वाइव इफ यूटर टेन ईयर्स आई थिंक नेचुरली जैसे जैसे हम जा रहे हैं इट्स ट्रांसफॉर्म सम है इसका वो है हमारे इतने सब्सक्राइबर्स है आई डोंट दीज गोल्स टू एग्जिस्टर्स सुनना आई वॉन्ट दो चेंज इफ़ यू डो नो दैट मीन्स वी प्लेड वन गेम वी प्लेड फॉर सो लॉन्ग एंड ऑल आर थिंग वर्स कि वापस रिलेवेंट कैसे हुए यू नो कैसे जितने भी मैं इन्फ्लुंसर्स इन सबसे जब भी मैं बैठता हूँ इन सब के साथ में बात करता हूँ यही वाली बातें चलती है भाई यार एल्कोहरिदम रीच कॉमेंट्स लाइक्स

हर कोई वो कर नहीं सकता है एंड वो जो तुमने मेरे को बात बोली थी ना कि 16 साल का जो बंदा होता है जो बुल होता है ही नीड्स दिस मेंटालिटी बट आई एम टेलिंग यू इट डज मोर हार्म देन गुड क्योंकि ये 16 साल का जो बंदा होता है उसके अंदर ये मेंटालिटी डाल दो ही गेट्स जो लोग शायद से अपनी थर्टीज में अचीव करते हैं वैन इज ट्वेंटी फोर मैं सही बताऊँ ना ही फील्स वेरी लोनली दैट इज़ ट्रू आई नो मतलब नथिंग अगेंस्ट इट बट आई वुड नॉट वॉन्ट टू लिव माई मतलब मैं बोलूंगा कि मैंने एक डेढ़ साल घिसाई है बहुत अच्छा लगा मेरे को दो yeah. साल घिसाई है अच्छी बात है

वो वाला जो टाइम था ना दो तीन साल का आया वो पुटिंग नॉट इवन दो तीन साल भाई 2015-16 से मैं कर रहा हूँ कुछ रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं एवरीथिंग कभी कभार कुछ फट गया तो फट गया नहीं तो वह, वही डाउन टाइम में चल रहा है एवरीथिंग और उस पॉइंट पे जाके अब जाके मेरे को पता चलता है भाई इट इज नॉट अबाउट गेटिंग लाइक यू नो अ वायरल हिट इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग गुड नंबर और गुड रीच इट्स मोर अबाउट की बैंक तुम लोग खुश हो उस वाले मोमेंट पर जब तुम्हारा डाउन टाइम चल रहा है अगर वो चीज़ तुम्हारा सॉटेड है तो फिर भाई इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा कब चल रहा है या फिर नहीं चल रहा एंड वो वो मेंटेलिटी ना आती नहीं है भाई इस हसल कल्चर की वजह से ये सारे जितने भी लोग होते हैं ना मैनोसफेयर में घुस जाते हैं एवरी थिंग वो शेम करते हैं भाई तुम लोगों को ऐसी चीज दिखाने के लिए इफ यू आर डाउन एंड मतलब इफ यू हैव हिट रॉक बॉटम इट्स लाइक कि मतलब दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन बी बट दैट इज अ वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ योर लाइफ यू विल लूज वन डे यू विल बी देयर वन डे फॉर एवरी माउंटेन वैली हाँ तो अगर अगर तुम वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो और तुम बस यही नहीं मेरे को ऊपर ही रहना है टॉप पे रहना है ये वो वक्त नहीं होगा भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मतलब नॉट एवरी वन कैन बी एट द टॉप क्योंकि अगर हर कोई टॉप पे होता तो फिर वो टॉप नहीं कहलाया जाता यू बी द टॉप ऑल द द टाइम एंड टॉप मीन मोस्टली जो लोगों के मन में टॉप होता है वो ये होता है डब्बिक लव मी सो मच एंड ब्लोइंग सो मच देर आर मोमेंट्स ऑफ दैट इफ यूर वायर ऑल दाइम यूर लाइफ मस्ट बीन एब्सुलट के राइट लाइक लुक इही भाई नहीं भाई आई आई दिस कैन गो ऑन एंड ऑन भाई मैं तो मतलब आई आई एम टेलिंग यू ब्रो मेरा मेरा भी यही सीन है कि मतलब विद रिस्पेक्ट टू म्यूजिक कॉमेडी कंटेंट क्रिएशन एंड एवरीथिंग आई जस्ट डूइंग थिंग्स बिकॉज आई कैन डू इट सिंपल एज दैट आई डोंट हैव एन अल्टीरियर मोटिव कि आ मेरे को ये करना है मेरे को वो करना है हाँ देर आर सर्टन बकेट लिस्ट में जो गोल्स होते हैं कि मेरे को एक बार न्यूयॉर्क जाना है काम के लिए बॉम्बे जाना है काम के लिए

कहीं ना कहीं मैं ईगो में आता था उस टाइम पे कि यार इन्हें कुछ नहीं पता मैं जब तक करूँगा तब तक रहूंगा ये है बट वही बात होती है ना तुम करते रह जाओगे तुमसे होगा नहीं ये वाली जो रियलाइजेशन होती है ना नहीं आती है स्पेशली ये म्यूजिक कॉमेडी एंटरटेनमेंट्स वाली जो फील्ड में लोगों को लगता yeah. है देर आर सम डेज जब चिप्स तुम्हारे हाथ में होती हैं देर आर सम डेज जब तुम्हारी चिप्स हाथ में नहीं होती हैं तो लोग ना नहीं जानते हैं कि कैसा फील होता है मैंने एक बार पॉडकास्ट करा था और तू आया था हमने कॉमेडी वगैरह करी थी कुछ करी थी टाइटल uh. था उसका न्यू एंड अर्पित बाला टुडे uh. nah, nah, really, really आज मतलब जैसे ऐसा भी होता है ना देयर इज एक, एक आदमी का कैरेक्टर होता है पर्सोना yeah. होता है नो ओके

एंड भाई uh, सारे भगवानों की देना इनशाला होगा जरूर होगा बिकॉज ब्रो आई थिंक योर माइंड सेट ना इज अ डिफरेंट बीस्ट आई है ये कौन है बट फिर yeah. जो लोग ये जियो पॉलिटिक्स देखते हैं इस पॉडकास्ट को और सुपर स्टार के लिए और और चीजों के लिए उसको आप उसके लिए आप अर्पित को फॉलो कर सकते हो अर्पित इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब राइट इट्स इट्स वेरी